नमस्कार दोस्तों, आजकल फोन चोरी होने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। फोन चोर इतने शातिर हो गए हैं कि चोरी किए हुए फोन में नकली IMEI नंबर प्रोग्राम करके उसे बेच देते हैं और इससे वह पकड़ में भी नहीं आते हैं। लेकिन अब ऐसे चोरों के लिए सामत आ गई है। दरअसल फोन की चोरी, क्लोनिंग और रीप्रोग्रामिंग की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने CEIR पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसमें देश के हर फोन की जानकारी है। इसमें फोन के मॉडल नंबर से लेकर IMEI नंबर और नेटवर्क से लेकर मैन्युफैक्चरर तक की पूरी जानकारी है। और दोस्तों, क्या आपको पता है जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी कहीं चोरी का तो नहीं? दोस्तों मत घबराइए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका फोन सही है या चोरी का। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इसके लिए आपको CEIR पोर्टल पर जाना होगा और नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको नो योर मोबाइल का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है नो योर मोबाइल ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं, वह भी खरीदने से पहले, जो मोबाइल के डब्बे पे लिखा रहता है और यह आपके मोबाइल के बिल पर भी लिखा होता है और रसीद पर भी लिखा होता है। और इस नंबर को मोबाइल पर डायल करके आप मोबाइल का IMEI नंबर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आप चेक करते हैं कि आपका IMEI नंबर वैलिड है या ब्लैक लिस्टेड है या डुप्लीकेट है या आपके IMEI नंबर का कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। तो दोस्तों इसे आप तीन तरीके से चेक कर सकते हैं। पहला तरीका है SMS के जरिए। इस तरीके से चेक करने के लिए आपके अपने मोबाइल से एक SMS करना होगा। SMS में टाइप करना होगा कैपिटल लेटर में KYM और आपको एक स्पेस देना है और आपको 15 अंकों का IMEI नंबर लिखना है और इस SMS को आपको भेजना होगा 14422 पर। इसके बाद आपको एक SMS प्राप्त होगा और उस SMS में लिखा हुआ होगा आपकी IMEI नंबर की क्या स्टेटस है, यानी वैलिड है या इनवैलिड है। वैसे ही अगर दूसरे तरीके की बात करें, आपको अपने मोबाइल फोन में नो योर मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। आप इस बार कोड को भी स्कैन करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। और तीसरे तरीके की बात करें और वह है वेब पोर्टल के जरिए। इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है और गेट OTP पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे यहाँ फिल करना है। OTP फिल करने के बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपने मोबाइल का IMEI नंबर टाइप करना है। अगर आपको IMEI नंबर नहीं पता है, अपने मोबाइल फोन में डायल करना होगा *#06#। इसके बाद आपके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर आपके फोन का IMEI नंबर शो हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल फोन सिंगल स्लॉट का है तो एक IMEI नंबर शो करेगा, वहीं अगर डुअल सिम स्लॉट का है तो दो IMEI नंबर शो करेंगे। तो दोस्तों IMEI नंबर टाइप करते हैं। IMEI नंबर टाइप करने के बाद चेक पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको IMEI का स्टेटस आ गया है और यहाँ पर स्टेटस में IMEI इज वैलिड लिखा हुआ है। अगर आपका फोन क्लोनिंग किया हुआ हो या रीप्रोग्रामिंग किया हुआ हो तो यहाँ पर IMEI स्टेटस में ब्लैक लिस्टेड या डुप्लीकेट शो करेगा। यहाँ पर आप अपने मोबाइल फोन का ब्रांड भी देख सकते हैं, उसका मॉडल भी देख सकते हैं, उसके मैन्युफैक्चरर का नाम भी देख सकते हैं और डिवाइस टाइप भी देख सकते हैं। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया है आप कैसे चेक कर सकते हैं जो मोबाइल फोन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी स्टेटस क्या है, यानी सही है या चोरी का है या क्लोनिंग किया हुआ है या रीप्रोग्रामिंग किया हुआ है। तो दोस्तों अब इसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर वहीं आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।